तो अगर करो हो जाए क्योंकि ये अवचेतन जो होता है ना उसको ऐसे फोर्सेस काम करने लगते हैं कि उसका अवचेतन भाई भावनाएं जैसी हो जाती है बॉस को ये मुझे करो मानते हैं ये मुझे पता तो मेरा माइंड अपने आप मेरा अवचेतन अपने आप वैसा करता है कुछ होती है और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन अपेक्षाओं करिए जैसी अपेक्षा करेंगे वैसा ही आपको परिणाम उस व्यक्ति में मिलने लगे अब ये जो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको समझा बहुत कर गया चर्चा बहुत होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली क्या है कि जितने लोग बैठे हुए हैं आप सब एक लाइव मैग्नेट चलता फिरता चुंबक है आप एक कहावत है बर्ड्स ऑफ द सेंटर फ्लॉक टुगेदर इसलिए हुई लगता है आपने बर्ड्स ऑफ द सेंटर फ्लॉक टुगेदर नहीं होती ना कि एक जैसे पक्षी एक साथ रहते हैं एक जैसे पंखों वाले पक्षी एक साथ रहते हैं और वही व्यक्ति छह महीने के बाद यहाँ से मुरादाबाद ट्रांसफर हो गया अब मुरादाबाद किसी को नहीं जानता एक साल बाद जब आप उसके बाद मुरादाबाद जाएंगे उसके कुछ नए दोस्त बन चुके होंगे और वो सब खराब होने वाले होंगे ऐसा होता है चल अपने जैसे को व्यक्ति अट्रैक्ट कर लेता हम कई बार अब इसका लाभ आप कैसे ले लीजिए आपके विचारों कुछ आप कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जगह बता रहे थे कि जिससे कि मैं सहमत नहीं हुआ पहले तो बताता हूँ इसे ना लॉ देखो ये छू मंत्र वाली बात है ये इसको हम नहीं मानते लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि जो चीज आप प्रबलता से चाहते हैं उसके लिए फिर आप का दिमाग वैसे ही काम करने लगता है जब कारण बन जाता है कॉज बन जाता है तो उसका इफेक्ट भी आ जाता केवल सोचने से नहीं होता एक साथ कर रहे थे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल विद पॉजिटिव थिंकिंग सकारात्मक चिंतन से कुछ भी आप कर जाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बताता है कि जब आप गहराई से संकल्प ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मन आपके कार्य या जो कारण होता है आपको चल चल देते हैं तब जाकर के उसका इफेक्ट आता है तब उसका इफेक्ट आता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि अगर आपने गहराई से ठान लिया है तो फिर आप रास्ता बनाते चले जाते हैं उस दिशा में काम शुरू कर देते हैं और गहराई से करना शुरू कर देते हैं और एक दिन उस चीज को आप अचीव कर लेते हैं मतलब मानसिक समरूपता का सिद्धांत ये कहा जाता है कि जो आप सोचते हैं जैसे विचार आपके होते हैं वही विचार अगर उनमें प्रबल भावनाएं डाली जाए और उन पर निरंतर काम किया जाए तो वो विचार एक दिन वस्तु बन जाते हैं वो एक दिन वस्तु बन जाते हैं मेंटली ड्रिल्ड एक दिन वो वस्तु बनकर रहते तो ये हमने 7 मेंटल लॉज आपके सामने रखे 7 मेंटल लॉज अगर इस पे ढंग से काम किया जाए तो ये हमारे यार मेरे पास मैं इतना टैलेंटेड हूँ इतना टैलेंट होते हुए भी मुझे वो सफलता नहीं मिली और वो एक दो बार नाम ले लेते हैं कि वो जो मुझसे कम टैलेंटेड है लेकिन वो मुझसे आगे बढ़ गया मुझ में इतना टैलेंट है उसके बावजूद मुझे वो नहीं मिल पाया जिसके जितना टैलेंट मेरे में था तो कहते नहीं कहते ये भी टैलेंटेड आदमी को मिलता नहीं और कम टैलेंट वाले को मिल गया मुझे नहीं मिला ये अक्सर आपने सुना होगा आप में से कुछ के मन में भी आ रहा होगा कि वो जो मुझसे कम टैलेंटेड है वो फिर भी आगे चला गया मेरे अंदर टैलेंट ज्यादा था टीचर कहते थे तुम ज्यादा होशियार हो और फिर भी आगे था जो भी आपको चाहिए आप अपने बच्चों को बता सकते हैं उसको अभी जो आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं उनको अगर कुछ अचीव करना है तो पहली चीज ये कि वो उसके लिए विश कितनी स्ट्रॉन्ग है हाउ हंग्री ही इज सपने देखना तो ठीक है लेकिन सपने वो नहीं है
जो नींद में आते हैं, सपने वो है जो सोने नहीं देते, सोने देते नहीं है कि हम जुटे रहेंगे उस सपने को साकार करने में। सपना वो होता है जो ऐसे सपने देखेगा, उसको हम कहेंगे कि इसकी विश स्ट्रॉन्ग है, वो उसके लिए कर क्या रहा कर। अब कोई कोई लड़का टॉप करना चाहता, अभी टेंथ में एडमिशन लिया, टॉप करना, अगर करीब 3 घंटे बाद में सोचता मारा लेंगे कि मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, मारा जाता टॉप करेगा, उसकी विश स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी विश स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो दिन जुटा रहता है, तपस्या करता है, तब पता लगता है कि विश की स्ट्रॉन्ग है। कंसिस्टेंसी कितनी है? आज किसी ने उस बच्चे को कहा बेटा मेहनत करोगे तो तुम टॉप कर सकते हो या अच्छे नंबर ला सकते हो, और खाने में ये परहेज करोगे, एक हफ्ता दौड़ लिए, कन्या में तो बनी नहीं रहा, एक हफ्ता दौड़ चुके दौड़ना काम नहीं होगा। और उसके बाद तीसरा टैलेंट अगर कम भी है, टैलेंट अगर कम भी है, लेकिन ऊपर वाली दो चीजें हैं, विश स्ट्रॉन्ग है, कंसिस्टेंसी है, तो आप जो चाहें जीवन में आपको मिलेगा। आप सबने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, और हमारे सभी मित्र, आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे अवसर दिया, हम इस सब के लिए गवाही हैं। Thank you.
सर सामने लीजिए। वो गए सलाह करके सवाल करते हुए से किया और फिर उत्तराखंड में आईआईटी